वैसे रातें लगभग एक जैसी होती हैं, पर आज अंधेरा कुछ ज़्यादा लग रहा है। ऐसे ही अंधेरा उस रात को भी था जब मैं हॉस्पिटल से घर लौट रहा था। करीबन 7 बज रहे थे, हॉस्पिटल की लाइट भी गई हुई थी, सिर्फ एक टॉर्च की लाइट ही थी जो तेज़ी से हॉस्पिटल में इधर उधर दौड़ रही थी, जिस तरह सड़क पर गाड़ियों की लाइट दौड़ रही है। जिस कमरे में वो लड़की एडमिट थी, मैं उस कमरे के बाहर ही खड़ा था। उसके घर वाले तब तक नहीं आए थे, उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली थी। मुझे खिड़की से दिखी और मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था। तब से रोज रात को वो नजर आती है। वैसे मेरा कोई दिली रابطہ नहीं था उससे, मेरी बिल्डिंग के सामने जो बिल्डिंग है उसकी गैलरी में दिखती थी वो। हम दोनों अक्सर रात में अपनी अपनी गैलरी के बाहर खड़े होते थे, एक दूसरे को देखते भी थे, पर कोई बात नहीं थी। एक बार हमारे एरिया में लाइट नहीं थी तो मैं टॉर्च लेकर गैलरी के बाहर आया। मेरी टॉर्च की लाइट उसके चेहरे पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। खैर, उसकी फांसी का मैं कोई कारण नहीं जान पाया, पर मैं तब से सोच रहा हूँ कि कोई खूबसूरत लड़की क्यों इस तरह की हरकत कर सकती है। कोई कैसे खुद ही आमादा हो जाता है अपनी जान लेने के लिए। क्या कभी उसने नहीं देखा होगा रात में अकेले उस झुर्रिये वाले बूढ़े को? उसकी बिल्डिंग के नीचे ही रहता था। एक मर्तबा उसके मुंह से सुना था, अल्लाह तेरा शुक्रिया। दिन भर की हम्बाली के बाद सूखी रोटी खाता था, प्रभु का नाम ले सो जाता। फिर लोगों के अंदर इतना डर, दुख, तकलीफें क्यों हैं? अब ऑफिस से लौटते हुए इन अंकल को ही देख लो, ये भी तो लाइफ जी रहा है। इन अंकल के लिए वैसी ही रातें हैं जैसी हर रोज होती हैं, पर उस लड़की के लिए अलग थी और मेरे लिए भी ज़्यादा अंधेरी। खैर, मुझे तो यही लगता है कि सबकी ज़िंदगी में रात का अंधेरा कम ज़्यादा होता रहता है। और ये बात भी सही है कि हर रात की सुबह होती है और अंधेरा भी कम ज़्यादा होता रहेगा। काश मैं उस लड़की को ये बात पहले समझा पाता। शायद इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान मरने के बाद तारा बन जाता है, ताकि इन तारों के थ्रू वो हमें लोगों की कहानी बता सके, उनकी गलतियों को और बेहतर कामों को समझा सके, कि आगे चलकर हम कोई इस तरह की हरकत नहीं करें, कि तुम इन तारों से सबक सीखो। तुम भी शायद इन तारों में कहीं जगमगा रही होगी, लोगों को समझाने के लिए बतौर एग्जाम्पल। वो चौकीदार आ रहा है। गुड नाइट भाई साहब, गुड नाइट।